हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है हम लोग का फार्मूला डेरिवेशन है गाइस, ठीक है। तो आज हम लोग फार्मूला को डेराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो कल मैंने जो क्वेश्चन बताया था और फार्मूला जो आप लोग को बताया था, उस फार्मूले को आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे, यानी डेराइव उसको प्रूव करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करते हैं। तो हम लोग का तीन फार्मूला, तो इसमें पहले से स्टार्टिंग से थ्री फार्मूला हम लोग का रिसिप्रोकल का था, बट अब जो बाकी पांच फार्मूले हैं उसको मैं आप लोग को प्रूफ करके बताता हूँ गाइस कि प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। तो उसमें का पहला फार्मूला क्या था गाइस, ध्यान से देखिए गाइस, पहला फार्मूला क्या था। पहला फार्मूला था टेन थीटा, क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो गाइस इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, बस ध्यान से आप लोग देखते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, बस ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब फार्मूले का डेरिवेशन अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो ये बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोग को पहला फार्मूला का डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, सिंपल सा गाइस है, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो मैं कल आप लोग को कुछ टॉपिक बताया था, एक बार और रिमेम्बर करा देता हूँ कि पी बी पी एच एच बी। तो गाइस इस पे ध्यान से देखना, ये जो होता है हमारा पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको कहते हैं हम लोग साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है हमारा गाइस वो होता है कॉस थीटा, और जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है उसको कहते हैं टेन थीटा। तो गाइस आप लोग को क्या मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस यानी अगर हम लोग ये ले आ दे तो ये टेन थीटा के बराबर होता है। तो गाइस हम लोग एल एच एस के तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे, तो पहले एल एच एस ले लेना, तो एल एच एस हमारा लिखा हुआ टेन थीटा। तो गाइस हम लोग देखते हैं टेन थीटा होता क्या, टेन थीटा गाइस हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर अपॉन हमारा बेस है गाइस, इसमें देखना कुछ नहीं करना है हमको, बस ये लिखना जो पी अपॉन बी है ना, तो यहाँ पे देखना गाइस हम लोग को साइन थीटा के लिए क्या चाहिए गाइस, ठीक है। तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा के लिए गाइस चाहिए हमको बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो गाइस ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, बोथ साइड, क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड डिवाइडेड, सॉरी गाइस बोथ साइड नहीं लिखना, हमको बस लिखना क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एच, यानी हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर रहा हूं गाइस, एच से डिवाइड कर रहा हूं, यानी हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहा हूं। तो गाइस देखना पी अपॉन एच और ये क्या हो जाएगा बी अपॉन एच। तो गाइस ध्यान से देखना, ये जो साइन थीटा है ना हमको क्या चाहिए, पी अपॉन एच चाहिए, कॉस थीटा है बी अपॉन एच चाहिए, तो यहाँ पे पी अपॉन एच को मैं लिख रहा हूँ क्या, साइन थीटा, और बी अपॉन एच को क्या मैं लिख रहा हूँ, कॉस थीटा। तो ये रहा हमारा पहला डेरिवेशन, ठीक है गाइस। तो दूसरा देखते हैं गाइस क्या है, दूसरा फार्मूला हमारा था कॉट थीटा, क्या था गाइस, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमको प्रूव करना, जबकि हमने प्रूव कर दिया गाइस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे गाइस ध्यान से देखना, मैंने कल आप लोग को रिसिप्रोकल बताया था, रिसिप्रोकल मैंने ये बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है गाइस। तो जब वन अपॉन कॉट थीटा होता तो मैंने एक और फार्मूला इसमें बताया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं एल एच एस लिख रहा हूँ गाइस, क्या लिख रहा हूँ, एल एच एस लिख रहा हूँ। तो एल एच एस में गाइस देखना, जो एल एच एस हमारा, एल एच एस क्या है, कॉट थीटा। तो जब एल एच एस हमारा कॉट थीटा, तो इसके जगह मैं वन अपॉन टेन थीटा लिख देता हूँ। तो जब वन अपॉन टेन थीटा लिखता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देखना वन पहले फॉर्मूले को मैंने डिराइव कर रखा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा के जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे गाइस देखना क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रहा हमारा दूसरा फार्मूला का डेरिवेशन गाइस, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना गाइस, बहुत सिंपल है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है गाइस।
तीसरा जो हमारा फार्मूला है गाइस, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये भी बहुत सिंपल है गाइस, देखना कैसे प्रूव करता हूँ। बस एल एच एस लिख देना, जो एल एच एस हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इस साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, जबकि मैंने बताया कि पर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल पे ही फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखना गाइस, मैंने नेमिंग दे दिया ए बी सी, ए बी सी मैंने नेमिंग दे दिया, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे गाइस देखना, इसको मैंने क्या बताया था, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे गाइस मैंने एक पैथागोरस थ्योरम आप लोग को बताया था, जबकि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो गाइस इस चीज को ध्यान से देखना, इसमें फॉलो होने वाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं गाइस फिर मैं आपको एक जो टॉपिक बताया वही लिखता हूँ, पी बी पी एच एच बी। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, क्लास टेंथ के लिए। तो इसको गाइस बहुत अच्छे से याद करना, जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा होता है। तो गाइस मैं साइन थीटा के जगह ये लिख दिया, ठीक है। प्लस अभी देखना गाइस, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, मैंने ये भी लिख दिया बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। बाकी सब आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना गाइस, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो गाइस देखना यहाँ पे जो बेस है ना सेम है, यानी जैसे एग्जांपल देखना, अगर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 करते हैं, बेस सेम होता है गाइस, तो उसका एलसीएम सेम होता है, तो 1 1 क्या हो जाता है, 1 प्लस 1 2 बाय 2 हो जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखना, यहाँ पे बेस सेम है, तो मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना गाइस, जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने आपको हाइपोटेनस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने एक थ्योरम बताया कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे गाइस जो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, उसके जगह मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना गाइस, हाइपोटेनस स्क्वायर कट कर क्या बचा, वन, ये हो गया आर एच एस के बराबर। तो गाइस ये हमारा तीसरा प्रूफ था फार्मूले का। तो इसमें देखना गाइस कि ये जो फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसमें तीन फार्मूले और बनेंगे गाइस, ध्यान से देखना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बनता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस इस तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर एक जगह, यानी ये आपको टेंथ में ही नहीं, इलेवेंथ ट्वेल्थ मतलब आगे बहुत जरूरी है, यानी ये सब फार्मूले जितने में मैं बता रहा हूँ। तो गाइस हमारा तीसरा चौथा फार्मूला क्या है गाइस, देखना क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या गाइस, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो गाइस बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैंने इस फार्मूले को प्रूफ किया उसी तरीके से ये भी फार्मूला प्रूफ होगा। तो गाइस यहाँ पे देखना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना, तो हम फिर आपको क्या करने वाले हैं गाइस, कुछ नहीं, यहाँ पे गाइस देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा टेन थीटा होता है ना, तो इसमें से एल एच एस लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो एल एच एस हमारा वन प्लस क्या गाइस, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा है, तो वन प्लस, यहाँ पे मैंने आपको परपेंडिकुलर का बताया, तो यहाँ पे मैं पी अपॉन बी का क्या लिख रहा हूँ, होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गाइस देखिएगा, यहाँ पे वन प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम वन है, तो वन का एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे बी स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको हाइपोटेनस पे लेकर चलता हूँ गाइस, तो हाइपोटेनस में हमारा फार्मूला देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे गाइस देखिएगा, एच अपॉन बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो गाइस एक बार और रिसिप्रोकल फार्मूला मैं आप लोग को क्या बताता हूँ, क्या
कि cos थीटा इज इक्वल टू, मैंने आप लोग को बता रखा है 1 अपॉन sec थीटा होता है, क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा होता है, तो sec का जो cos का उल्टा होता है ना वही तो sec का होता है 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपली देखे गाइस PBP HHB में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखिएगा जो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, यही तो हमारा है ना cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो हमारा sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो गाइज आप लोग को दिख रहा होगा sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहाँ पे h अपॉन b के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, sec थीटा का होल स्क्वायर। जब sec थीटा का होल स्क्वायर गाइज दिख रहा है तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया RHS हो गया। एक आखिरी फार्मूला जो है हम लोग का, अभी और बाकी बहुत फार्मूले हैं बट हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके डिराइव करना जैसे आगे चलते हुए, ठीक है गाइज। तो हमारा पांचवा जो फार्मूला गाइज वो है 1 cot² θ, क्या गाइज 1 cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ। तो ये भी बहुत सिंपली वे में हो जाएगा प्रूफ, LHS इज इक्वल टू बस गाइज ले लेना 1 cot² θ। तो यहाँ पे गाइज फिर मैं आपको मैं बोला ना आप 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है PBP HHB, ठीक है। तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ कि 10θ का उल्टा यानी रिसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है गाइज। तो यहाँ पे देखना गाइज अगर 10θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू गाइज क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखना पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 + b/p का होल स्क्वायर। तो गाइज बहुत सिंपल है ये, तो 1 + b² / p² यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² + b² / p² तो गाइज आप लोग को आंसर तो पता ही चल गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे गाइज देखना h अपॉन मैंने क्या लिख दिया, p का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे गाइज देखना यहाँ पे ये जो h अपॉन p, फिर हमको ये देखना है cosec थीटा ना, तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का होता है, किसका होता है साइन थीटा का उल्टा होता है 1 upon cosec θ, ठीक है गाइज। तो साइन थीटा जो हमारा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec थीटा हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइज यहाँ पे देखना जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है मैंने लिख क्या दिया, cosec थीटा का होल स्क्वायर। तो cosec थीटा का होल स्क्वायर का मतलब cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा RHS। यानी हमने पांचों फार्मूला जो मैंने आप लोग को बता रखा था, कल डेरिवेशन नहीं बताया था तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को डेरिवेशन भी बता दिया गाइज, ठीक है। तो मैंने और इस पे दो क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा देता हूँ गाइज, तो इस क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि सॉल्यूशन उसका कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन गाइज ये है हमारा कि इसमें मतलब क्वेश्चन में दे रखा है इफ, क्या दे रखा है, इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8। ए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइज, एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो कर अब इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो गाइज कुछ नहीं करना, मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में बता रखा है क्या करना है, वी हैव 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे गाइज देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी cot A इज इक्वल टू 8/15, क्या हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। तो गाइज आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ गाइज, तो cot A इज इक्वल टू 8/15, तो यहाँ पे गाइज देखिएगा बस cot A यानी cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है, क्या होता है b/p होता है यानी बेस। अब क्या करना है, बस सिंपली सी ट्राइंगल बनाना है, क्या बनाना है ट्राइंगल बनाना है। तो अभी इसमें ट्राइंगल में मैंने नेमिंग दे दिया ABC, cot A बोला ना, तो यानी A इज इक्वल टू, जब भी एंगल हमारा बोलेगा तो cot A बोलेगा तो
यहाँ पे थीटा, अगर कॉट सी बोला रहता तो थीटा हमारा यहाँ पे रहता, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा फिलहाल कॉट ए पूछ रहा, तो कॉट ए इज इक्वल टू थीटा ये, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, यानी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, और पी की एन परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 दे रखा। तो अब हम लोग को पैथागोरस का यूज कर हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो हमारा फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये जो फार्मूला है बस हमको हाइपोटेनस निकालना है, यानी एच इज इक्वल टू अंडर इसमें परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे गाइस देखिएगा, यहाँ पे जो हाइपोटेनस है ना 15 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इन दोनों को गाइस ऐड कर देते हैं तो 549 हो गया, 628 हो गया और 2, यानी 289 गाइस 17 का स्क्वायर होता है, कितने का होता है 17, यानी हमारा हाइपोटेनस जो हो गया 17 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ऑल टी रेशियो नहीं पूछा, बस साइन ए और सेक ए, तो हम लोग निकालते हैं गाइस। सो साइन ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर गाइस देखा जाए तो बीसी हमारा परपेंडिकुलर है और एसी हमारा हाइट है, तो बीसी हमारा 15 दे रखा है और एसी 17, यानी एक आंसर निकल गया। दूसरा क्या पूछा, सेक ए पूछा, क्या पूछा गाइस, सेक ए पूछा, तो सेक ए कॉस का उल्टा होता है सेक ए, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो रिसिप्रोकल वाला फार्मूला उसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पहले वाले वीडियो में बता रखा हूँ गाइस, ठीक है। तो सेक ए जो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमारा क्या गाइस, ए सी हाइपोटेनस है और बेस हमारा ए बी, यानी इसका आंसर 17/8। बहुत सिंपल तरीके से ये पहला एक्सरसाइज होगा, बहुत सिंपल तरीके से होगा गाइज, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को डेरिवेशन करा देता हूँ गाइज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। तो एग्जांपल हमारा देखना गाइज, लिखा हुआ क्या, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना हमको, क्या करना गाइज, इस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये इवेल्युएट करना गाइज। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में कोई ट्रिक थोड़ी ट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल से निकालेंगे, तो इसको ट्रायंगल कुछ नहीं बनाना, बस लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है सॉल्यूशन करते वक्त, देखना गाइस हमारा क्या लिखा है, 1 + sin θ 1 - sin θ अपौन 1 + cos θ। तो गाइस बस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। तो अभी 1 + अभी गाइस आप लोग को कुछ दिख रहा होगा क्या, a + b और a - b दिख रहा है गाइस, a + b यानी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन है, तो a + b और a - b, तो गाइस ये फार्मूला क्या होता है, a² - b² का क्या होता है फार्मूला। तो गाइस मैं ये बस सिंपली वे में क्या कर रहा हूँ, 1 - यानी 1² - sin²θ, ठीक है गाइस। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा बहुत सिंपल, नीचे भी वही चीज लिखा होगा, 1 + cos 1 - cos, तो 1 - cos²θ। तो यहाँ पे गाइस देखना क्या, 1² यानी 1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 - sin²θ 1 - cos²θ। तो गाइस सबसे पहला फार्मूला जो पहले फार्मूला में था, तो दूसरा या तीसरा फार्मूला है, तो मैंने बता रखा है गाइस ये फार्मूला का यूजिंग, sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1। तो आप लोग को ये फार्मूला का यूज करना, अभी देखिएगा गाइस से आप लोग कहेंगे कि sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1 कैसे यूज करें। तो गाइस यहाँ पे देखना 1 - sin है ना, तो मैंने आप लोग को ये जो फार्मूला इवेल्युएट पहले किया, जो फार्मूला प्रूव किया उसमें मैंने बताया कि क्या अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है गाइस, तो उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी LHS से RHS लेकर जाते हैं गाइस, तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस देखना cos²θ इज इक्वल टू 1 - sin²θ होता है, और sin²θ इज इक्वल टू 1 - cos²θ होता है। तो गाइस यहाँ पे देखना 1 - sin²θ दिख रहा, उसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, cos²θ, और यहाँ पे 1 - यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, sin²θ। तो आप लोग को गाइस दिख रहा होगा cos θ / sin θ
मैंने फार्मूला कुछ बताया था गाइस, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट, आप लोग को कॉट थीटा क्वेश्चन में मिल रहा होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 7/8। तो 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। तो 7/8 का स्क्वायर जो होगा ये क्या हो जाएगा, 49/64। तो गाइज ये बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को करना है, बहुत इजी है। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना, अगर डाउट है, आप लोग को नहीं समझ में आता है, तो आप गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।